नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ विशेष औषधियों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका सेवन करके अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ हो तो वे आप इस दवा के सेवन से दूर कर सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं प्रतिदिन वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहता हूं ताकि आज के इस महंगाई के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें औषधि नसीब नहीं हो पाती है और वे काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसी परिस्थिति से उबरने में अगर हमारा वीडियो उनकी कोई मदद कर सके तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आज मैं आप लोगों के साथ मन को नियंत्रित करने वाली कुछ प्रमुख होम्योपैथिक औषधियों के विषय में चर्चा करूंगा। इसमें पहली औषधि है एकोनाइट। यह औषधि अचानक आने वाले भय एवं चिंता के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर किसी को अचानक किसी भी प्रकार का भय हो जाए या चिंता हो जाए तो एकोनाइट को आपको 3x की शक्ति में व्यवहार में लाना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात्रि में इसका सेवन करें, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। दूसरी दवा है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा को आपको 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाना है। जहां कहीं भी आप देखें कोई व्यक्ति निराश है या दुख के कारण उसे कोई कष्ट हो गया है तो उस व्यक्ति को इग्नेशिया अमारा को 30वीं शक्ति में देना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में दें, उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है कि परीक्षा का भय हो जाता है। बच्चों में परीक्षा के समय डर लगा रहता है कि उसने जो कुछ भी याद किया है कहीं वो भूल ना जाए। ऐसी परिस्थिति में आप जलसीमियम को 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाएं, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जलसीमियम को आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इसमें अगली औषधि है फॉस्फोरस। चिंता, घबराहट एवं नींद की समस्या अगर आप देखें तो आप फॉस्फोरस को 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाएं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति तनाव ग्रसित हो जाता है, चिंतित रहता है, क्रोध आता है। ऐसी परिस्थिति के लिए होम्योपैथिक की औषधि नक्ष भूमिका को आपको व्यवहार में लाना है। नक्ष भूमिका को आपको 30वीं शक्ति में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में लें, आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी प्रकार की दिमागी समस्या आप किसी में देखते हैं, आप बायोकेमिक की औषधि काली फास को 6x की शक्ति में व्यवहार में लाएं। 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर एवं 6 गोली रात्रि में इसका सेवन करें। आप देखेंगे यह दिमागी समस्या में बहुत ही कारगर औषधि सिद्ध होगी। यहाँ तक कि ये पागलपन को भी ठीक करने की शक्ति रखता है। बहुत से मित्रों को मैं अपना वीडियो कई प्रकार के सोशल मीडिया पे शेयर करता रहता हूँ ताकि जिन तक मैं ना पहुंच सकूं, जिन्हें औषधियों की आवश्यकता हो, वे स्वयं इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। अगर किन्हीं भी मित्रों को हमारे वीडियो से कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। मैं समाज की भलाई के लिए प्रतिदिन वीडियो डालता रहता हूं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।